अंशु यहाँ से देखेंगे, ये देखो वाओ। वेलकम बैक जांशु शर्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं रंजीत शर्मा, हम सब निकल चुके हैं उदयपुर सिटी की तरफ। और मैं आपको बता दूं, आज है गणेश चतुर्थी और बोरा गणेश मंदिर जो कि उदयपुर का प्राचीन मंदिर है भगवान श्री गणेश जी का, वहां पर लगा हुआ मेला। दोपहर का टाइम है, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं फतेह सागर झील देखने के लिए। सेप्टेम्बर मंथ चल रहा है, फर्स्ट वीक चल रही है सेप्टेम्बर की, और अभी तक शायद फतेह सागर झील ओवरफ्लो हुई है या नहीं देख लेते हैं जाके, क्योंकि मेवाड़ की पूरी शान है यह फतेह सागर झील। उस्ताद लक्ष्मण सिंह पहलवान पुल जस्ट इसके ऊपर से हम निकल रहे हैं। ये जो रोड है ना, ये एक्चुअली चेतक सर्किल से फतेह सागर जाने वाली रोड है। जो लोग उदयपुर आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं सितंबर मंथ में, तो फतेह सागर झील का सीन देख लेना क्या है। ये फतेह सागर झील की सफाई चल रही है और काफी सारी हरियाली जो घास है ना, हरा घास उसको निकाला जा रहा है। फिलहाल जांशु भी देख रहा है फतेह सागर झील को। वाह जांशु, काफी लंबे टाइम बाद आ गया फतेह सागर झील। और देखो ये है उदयपुर की शान। एक्चुअली बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है पानी, हमारे से लगभग 1.5 फीट नीचे ही है पानी जस्ट। भाई दोपहर का टाइम है और दोपहर के टाइम में देखो यहाँ पर इतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन मौसम बहुत जबरदस्त हुआ हुआ है, तो शायद नाइट तक या इवनिंग तक बहुत जबरदस्त माहौल बनने वाला है फतेह सागर लेक पर। और मेरे राइट साइड में देखो ये टांगे वाले, जिनको हॉर्स राइडिंग करनी है या फिर जिनको कैमल राइडिंग करनी है, उनके लिए पूरी फैसिलिटी यहाँ दी गई है फतेह सागर लेक पर। इस तरह से कैमल राइडिंग की जाती है, देखो एंजॉय करो कैमल राइडिंग में। लो जी ये है फतेह सागर की चौपाटी, और इस चौपाटी को हम क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं इसी पाल पे, और मौसम बहुत ही जबरदस्त हो चुका है। देखो इस जगह पे बारिश हो रही है सज्जनगढ़ की तरफ, देखो जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, बहुत शानदार व्यू बन गया एक्चुअली इस फतेह सागर लेक पे। और गणेश चतुर्थी वाले दिन बारिश हो रही है जबरदस्त। सूर्य और जांशु तो डर के मारे गाड़ी के अंदर चले गए देखो, और मेरे को बारिश में भिगा दिया बाहर। जांशु ये अच्छी बात नहीं है, मेरे को छोड़ दिया आपने, शीशे पे भी पानी आ गया है। इस जगह पे एक्चुअली फतेह सागर लेक ओवरफ्लो होती है, देखते हैं क्या सीन है आज का। फर्स्ट डे एक्चुअली आज गणेश चतुर्थी का, तो देखते हैं अगर फतेह सागर झील ओवरफ्लो हुई होगी तो थोड़ा सा शूट करके मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं इस वक्त। फिलहाल हम लोग खड़े हैं पार्किंग वाले एरिया में और बाहर हो रही है बारिश खतरनाक। लो जी फाइनली फतेह सागर लेक हो गई है ओवरफ्लो, और जिनको भी देखना है आकर देख सकते हैं, अगर ये लेटेस्ट सितंबर मंथ में आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेरी तो। जांशु यहाँ से देखेंगे, ये देखो वाओ, ये सीन है आज के दिन गणेश चतुर्थी वाले दिन। जांशु ने फाइनली देख ली झील, सामने है एक्चुअली यूडीए का ऑफिस और उसके बगल में ही ये पुल है, एक्चुअली यूआईटी पुल कह सकते हैं या यूडीए वाला पुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये फतेह सागर का पानी और स्वरूप सागर का पानी दोनों इकट्ठे होके आगे की तरफ निकल रहे हैं। और जी देखो जांशु आ रहा है, और ये देखो यहाँ पे जबरदस्त सीन है, वाओ अल्टीमेट। जांशु देखो देख रहा है, जांशु कैसा है। लो जी फाइनली अब यहाँ से भी रवाना हो रहे हैं, फतेह सागर झील को ओवरफ्लो होते हुए देख लिया। इस यूडीए सर्किल के पास जो पुल है, यूआईटी पुल या यूडीए पुल, यहाँ पर भी सारा पानी हमने देख लिया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ओवरफ्लो हुआ है। अब निकलते हैं सीधा बोरा गणेश जी मंदिर की तरफ, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी, और फिर बोरा गणेश जी मंदिर में जाके करेंगे दर्शन और थोड़ा सा मंदिर को भी करेंगे एक्सप्लोर। ये देखो ये है धूलकोट चौराया और पार्किंग टू व्हीलर की। लो जी ये है चौराया, बोरा गणेश जी चौराया। एक्चुअली सामने जाएंगे तो मंदिर है बोरा गणेश जी, और इस तरफ यूनिवर्सिटी वाली रोड है। गणेश चतुर्थी के पावन उत्सव पर आप सभी का स्वागत एक्चुअली किया जा रहा है। भीड़ तो बहुत जबरदस्त है भाई। लो जी यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है दर्शन के लिए। जांशु लाइन में लगा है, लंबी एक्चुअली। हाँ बेटा गोदियान है आज। देखो हम जब आए ना तो ये पेस्ट्री हाउस जस्ट इसके सामने ये लाइन स्टार्ट हुई हमारे लिए, बहुत लंबी लाइन लग रही है यार। ठीक है पकड़ के रखना मेरे को, ठीक है हिलना मत।
प्यासे को पानी पिला रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। एक्चुअली इस लाइन में जितने भी लोग खड़े सबको देखो ये एक्चुअली भैया पानी पिला रहे हैं। जानशु को हल्की हल्की नींद आ रही है तो जानशु देखो सुरु की गोदी में आ गया है और फिलहाल मैं और सुरु और जानशु हम तीनों फिलहाल लाइन में लगे हुए हैं। लगभग आधा घंटा हो गया, आधे घंटे के अंदर हम यहाँ तक पहुंचे हैं और बाकी लाइन बहुत लंबी है पीछे देखो। लो जी दर्शन करने के बाद जानशु अब खा रहा है मैंगो डोली। आइसक्रीम वाली शॉप पे रुक गया और ये सामने धूलकोट चौराया, यहाँ से हम बिल्कुल राइट की तरफ एंटर हुए थे। मैंगो डोली जानशु की फेवरेट। ये मम्मी की है, वो आपकी है। आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन था और हमने आज बोरा गणेश मंदिर में किए हैं दर्शन, वहाँ पर लगा हुआ था मेला। अच्छा फाइनली दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं गाड़ी में और अब हम लोग जा रहे हैं घर। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो करें लाइक ताकि हमको मिले मोटिवेशन। अब हम सब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट न्यू व्लॉग में एक नई लोकेशन में। बाय। तब तक